हरियाणा के फरीदाबाद में चोरी के इल्जाम में निकाले गए सीएनजी पंप कर्मी ने अपने साथियों के साथ मिलकर सुपरवाइजर के साथ मारपीट की। सुपरवाइजर के सिर में चोटें आई हैं। मारपीट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पीड़ित सुपरवाइजर ने पुलिस पर जांच में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार सेक्टर 64 के बाईपास रोड स्थित अडानी गैस लिमिटेड के सीएनजी स्टेशन पर मंगलवार रात को स्टेशन पर काम करने वाले कर्मचारी आपस में भिड़ गए। इन दौरान कर्मचारियों ने अपने समर्थकों को बुला लिया, जिन्होंने स्टेशन के सुपरवाइजर पर डंडे से वार कर उसे घायल कर दिया। यह घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आदर्श नगर थाने की पुलिस इस प्रकरण में अभी जांच की बात कर रही है। पुलिस के अनुसार सीएनजी स्टेशन पर रमेश नामक व्यक्ति सुपरवाइजर है। गौरव व बलवंत स्टेशन पर बतौर सेल्समैन कार्य करते हैं। मंगलवार शाम दोनों सेल्समैन की सुपरवाइजर रमेश से कहा सुनी हो गई। आरोप है कि दोनों सेल्समैनों ने अपने समर्थक स्टेशन पर बुला लिए। आरोप है कि उन लोगों ने आते ही रमेश की लात घूसों से जमकर पिटाई की। इसी बीच एक युवक उसके सिर में डंडा मार दिया, इसके उसका सर फट गया और वह बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर गया। घायल को अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। एसएचओ राजेंद्र शर्मा ने बताया कि इस मामले की शिकायत मिली है, आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। आप भी वीडियो देखें कैसे सीएनजी पंप सुपरवाइजर को लात घूसों से पीट रहा है। ये सिलेंडर, ये डंडा भी उठाएगा, ये डंडा लेगा साथ में, ये मार दिया, ये मार दिया मेरे सिर पे सर। हाँ, ये पुलिस ने क्या कार्रवाई किया अभी तक? सर पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं किया अभी तक। इसके पहले भी उन्होंने जान से मारने की धमकी दी थी इन लोगों ने। हमने FIR करके आ गए थे तो भी इन पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। संतुष्ट है पुलिस की कार्रवाई से? क्या संतुष्ट है सर, कोई संतुष्ट नहीं है। को इतना लंबा फ़ोन करते हुए एक डेढ़ घंटा के बाद पुलिस आई, उसके पहले हम हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। ये कौन लोग थे जिन्होंने हमला किया? सर ये लोग पहले ड्यूटी करते थे, इनको चोरी के इंजाम से निकाला गया था, इनके साथी को वहीं रंजिश लेके ये लोग चल रहे थे सर। मैं थोड़ा को क्या है पूरा मामला? सर मैं डायरेक्ट रूम से ऑफिस में आया तो ये पांच छह लोग आके डायरेक्ट पीटने लगे मेरे को, ना कुछ बात किए ना कुछ ना कुछ। तो मैंने पूछा भाई ऐसा क्यों किया, तो बोले कि तुम ज़्यादा बन रहे हो, ड्यूटी नहीं दे रहे हो हम लोगों को, हमारे एक साथी को तुमने नौकरी से निकाल दिया, तुमको यहाँ रहने नहीं दूंगा, जाइए तो पंप छोड़ के चले जाओ, नहीं तो अभी तो इतना ही किया हूँ, नहीं तो बाद में और जान से मार दूंगा। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? सर पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की, पुलिस वाले आके खाली पहुँच पाँच के चले गए यहाँ से। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।